सर, एम एस सी यूट्यूब में आपका बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में और आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मनोज सिंधी, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड, स्टेट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी यहाँ पर आए और आज जो बहुत उत्साह के साथ में हमारी स्काउट टीम ने उनका वेलकम किया और यहाँ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के हमारे जो स्काउट्स पहले से हैं हम उनको भी ट्रेंड करके गार्ड ऑफ ऑनर करने का काम किया, उनको सम्मान उनका हमने किया हमारी टीम ने। पूरे उत्तर प्रदेश में सर क्या काम है आपका, क्या काम है? हमारा स्काउट एंड गाइड का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारी पूरी ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग या आपदा प्रबंधन से लेकर के एक अच्छे संस्कारवान कैसे बच्चा बने वो पूरी उसकी एक प्रयोगशाला हमारी, हम बड़े अच्छे तरीके से युवाओं को ट्रेंड करते हैं। ये एक युवाओं के लिए यूनिक प्रोग्राम है जिसके द्वारा खेल खेल में ही हम अच्छी अच्छी बातें सिखा करके उनको आपदा प्रबंधन और अनदर जो जो भी चीज़ें हैं या आग से बचना या किसी भी तरीके से हम एक दूसरे की जान और माल की सुरक्षा करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे जी, तो उन्होंने बातें भी दिया, तो सबसे अच्छा क्या बात लगी उनकी बातें? तो वो रहती है, वो हमें सबसे अच्छी बात लगी, जैसे उन्होंने बताया कि जाति धर्म में जो रखा गया उन्होंने चार कैटेगरी रखी है। एक उन्होंने रखा कि हाईएस्ट और लोअर जो गरीब हैं वो भी एक कैटेगरी बनाई है उन्होंने, और उन्होंने जाति धर्म को अलग कर करके एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जो उन्होंने बहुत हमें उनकी बात अच्छी लगी। और एक अच्छे नेता की ये बहुत बड़ी पहचान है क्योंकि हमने बहुत सौ की स्पीच सुनी है लेकिन ये स्पीच उनकी बहुत ही एकदम गदगद करने वाली है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो आज मतलब कैसा रहा कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम के रूपरेखा थी? सबसे पहले मैं आपके VSK न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आज MSB ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में आए। आज का मुख्य कार्यक्रम हमारे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आगमन था, उनके स्वागत सत्कार भी हुआ और साथ में उन्होंने MSB कॉलेज ऑफ लॉ के अंदर जो मूट कोर्ट बनाया है उसका शुभारम्भ भी किया। इसके साथ छोटा सा कार्यक्रम वृक्षारोपण का भी था जिसमें डॉक्टर साहब ने अति उत्साह के साथ भाग लिया और उनके साथ साथ सभी लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया जी। धन्यवाद सर।